आज मैं जा रहा हूँ मिलने, कल लखीमपुर में जो हादसा हुआ था उन परिवारों से कल मैं मिला था। दो परिवार आपके बहराइच के हैं, मैं उनके परिवार से मिलने आ जा रहा हूँ। और सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो नोटिस दिया है सरकार को, उम्मीद बढ़ी है सभी परिवार के लोगों को कि अब न्याय मिलेगा। सरकार को दिखाना चाहिए और सरकार को बताना चाहिए, ये जो बड़े बड़े विज्ञापन सरकार देती है कि सरकार दमदार सरकार है, तो दमदार सरकार को गरीबों के साथ खड़ा होना चाहिए। जिन्हें न्याय चाहिए दमदार सरकार उनके साथ खड़ी दिखाई दे, लेकिन इधर जो देखने को मिल रहा है सामान भेजना, खाना पूर्ति करना है, सुप्रीम कोर्ट के बाद जो देखने को मिल रहा है सामान भेजना, खाना पूर्ति करना है, सुप्रीम कोर्ट के बाद कुछ सरकार जागी है, जांच क्या होगी, हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और जो दोषी हैं उन्हें सरकार तुरंत भेजे। क्या यही तरीका पहले होता था? क्या यही तरीका होता था कि समन के साथ फूल भेजे जा रहे हो, गुलदस्ता भेजा जा रहा हो? और फिर जो गृह राज्य मंत्री हैं, कोई भी अधिकारी उनसे अगर पूछताछ के लिए जाएगा तो पहले उन्हें सलूट मारेगा और उसके बाद पूछताछ करने के बाद सलूट मार करके फिर वापस जाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की मांग है और जितने भी पीड़ित परिवार हैं जिनके घरों के सदस्यों की जान गई है गाड़ी के चढ़ने से, गाड़ी से जो कुचला गया उनको, गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अगर ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये जानकारी आपके माध्यम से मिल रही है तो जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका नेपाल से पुराना रिश्ता है उस बॉर्डर से, अगर उनका पुराना देखेंगे जैसा उन्होंने भाषण में कहा था अपने कि मुझे गृह राज्य मंत्री मत समझो, मुझे सांसद या विधायक मत समझो, मुझे कुछ और समझो, तो समझ लीजिए नेपाल से उनका कैसा रिश्ता रहा है पहले का। इसलिए अगर ये सूचना आपके माध्यम से यहाँ आ रही है और नेपाल भाग गए तो अब तो भारत सरकार को देखना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में तो नहीं चीज़ बची है। अब हमें उम्मीद है कि भारत सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करेगी और नेपाल गए तो उन्हें पकड़ करके लाएगी। दूसरी तरफ मंत्री जी दिल्ली में कार्यक्रम कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे उस कार्यक्रम में, संवेदनाएं। देखिए सरकार भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका अलग है। भारतीय जनता पार्टी का कोई अपराध करेगा तो सरकार उसे बचाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।